एक महिला की आदत थी, वह हर रोज सोने से पहले दिन भर की खुशियों को एक कागज पर लिख लिया करती थी। एक रात उन्होंने कुछ ये लिखा, मैं खुश हूं कि मेरा पति पूरी रात जोरदार खर्राटे लेता है, क्योंकि वह जिंदा है और मेरे पास है। ये ईश्वर का शुक्र है। मैं खुश हूं कि मेरा बेटा सुबह सवेरे इस बात पर झगड़ा करता है कि रात भर मच्छर खटमल सोने नहीं देते, यानी वह रात घर पर गुजारता है, आवारा गर्दी नहीं करता। ईश्वर का शुक्र है। मैं खुश हूं हर महीना बिजली गैस पेट्रोल पानी वगैरह का अच्छा खासा टैक्स देना पड़ता है, यानी ये सब चीजें मेरे पास मेरे इस्तेमाल में है। अगर यह नहीं होती तो जिंदगी कितनी मुश्किल होती। ईश्वर का शुक्र है। मैं खुश हूं कि दिन खत्म होने तक मेरा थकान से बुरा हाल हो जाता है, यानी मेरे अंदर दिन भर सख्त काम करने की ताकत और हिम्मत सिर्फ ईश्वर की मेहरबानी से है। मैं खुश हूं कि हर रोज अपने घर का झाड़ू पोछा करना पड़ता है और दरवाजे खिड़कियों को साफ करना पड़ता है। शुक्र है मेरे पास घर तो है, जिनके पास छत नहीं उनका क्या हाल होता होगा। ईश्वर का शुक्र है। मैं खुश हूं कभी कभार थोड़ी बीमार हो जाती हूं, यानी मैं ज्यादातर सेहतमंद ही रहती हूं। मैं खुश हूं कि हर साल त्योहारों पर तोहफे देने में पर्स खाली हो जाता है, यानी मेरे पास चाहने वाले मेरे अजीज रिश्तेदार दोस्त अपने हैं जिन्हें तोहफा दे सकूं। अगर ये ना हो तो जिंदगी कितनी बेरौनक हो जाती है। ईश्वर का शुक्र है। मैं खुश हूं हर रोज अलार्म की आवाज पर उठ जाती हूं, यानी मुझे हर रोज एक नई सुबह देखना नसीब होती है। ये भी ईश्वर का ही कर्म है। दोस्तों, जीने के इस फॉर्मूले पर अमल करते हुए अपनी और अपने लोगों की जिंदगी सुकून की बनानी चाहिए। छोटी या बड़ी परेशानियों में भी खुशियों की तलाश करिए। हर हाल में उस ईश्वर का धन्यवाद करिए जिसने आपको ये जिंदगी दी है और इस जिंदगी को खुशगवार बनाया है। थैंक यू सो मच। बने रहिए अपने दोस्त समीर सावन के साथ।